हम पहुंच चुके हैं बिग एलमेटी लेक। हाय गाइस, सो आज हम दूसरे उस पर आ गए हैं ट्रक पे और आज हम जा रहे हैं बिग एलमेटी लेक पे। सो बेसिकली लाइक हमने ये अपनी कैब बुक कर ली थी, एक ऐप है यहाँ पे इन ड्राइवर करके, उसमें आप अपना प्राइस सेटअप कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो कि मैं कितना पे कर सकता हूँ। उसके हिसाब से फिर अगर कोई भी ड्राइवर इंटरेस्टेड रहता है उस प्राइस में तो वो एक्सेप्ट करेगा राइड और फिर वो आपके पास आ जाएगा। तो एक तरह का ये लाइव बार्गेनिंग सिस्टम है। 150 रुपया देगा तो हमें 6000 डेंगे में बुलाई थी कैब। और मेरे साथ तो एक और मेरे काउचसर्फिंग फ्रेंड है पॉल, वो ऑस्ट्रिया से हैं, तो उस कॉस्ट को डिवाइड कर लेंगे तो उससे मतलब ठीक पड़ेगा हमें प्राइस। तो अभी हम बस पहाड़ चढ़ रहे हैं बिग एलमेटी लेक के लिए और व्यू बहुत ही अमेजिंग है और यहाँ पे जितने पाइन ट्रीज आप देखेंगे वो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि कांटे लगे हुए हैं बड़े बड़े, लेकिन दिखने में बहुत ही अमेजिंग है। और ठंड के टाइम पे तो माहौल ही अलग होता है क्योंकि यहाँ पे ठंड में बर्फ़ गिरती है, तो बर्फ मुझे अभी भी दिख रही पहाड़ों के ऊपर, लेकिन जिस पहाड़ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे बर्फ़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे पाइन ट्रीज काफ़ी हैं, तो जब यहाँ पे बर्फ़ गिरती होगी तो मौसम शानदार ही होगा। तो हम पहुंच चुके हैं बिग एलमेटी लेक, बस जा रहे हैं, पीछे रहा हमारे बिग एलमेटी लेक। सो ये रहा एलमेटी का वेरी पॉपुलर बिग एलमेटी लेक, बस अभी हम नीचे जा ही रहे हैं। यहाँ आते वक्त तो ध्यान रहे आपके पास ट्रैकिंग शूज़ हो, नहीं तो आप फिसल जाएंगे, जैकेट हो क्योंकि हवा थोड़ी ठंडी होती है। सो वो जो पीछे पहाड़ देख रहे हैं उसके ऊपर स्नो है और ये सब पूरा बर्फ़ से ढक जाता है जब यहाँ पे ठंडी होती है, और अभी समर का टाइम है तो ठंडी हवा है और टेम्परेचर तकरीबन 25 डिग्री के आसपास है, और ये जो पानी है ये पूरा बर्फ़ का पानी जो पिघल करके यहाँ पे स्टोर होता है वो यहाँ पे आकर के रहता है। वहाँ पे एक छोटा सा डैम बना रखा है गवर्नमेंट ने, जब ये पानी भर जाता है तो उसको रिलीज़ कर देते हैं, आगे रिवर है जो रिवर के थ्रू सिटी में चले जाती है। अभी मैं बैठा हूँ जस्ट लेक साइड के बगल में और पानी बहुत ही ठंडा है क्योंकि ये बर्फ़ का पानी जो पिघल के आता है वो यहाँ पे है, और ये रहा कुछ ऐसा नज़ारा। जब भी आप ऐसे जंगल वाली जगहों में आओ तो आप अपने साथ एक इंसेक्ट रिपेलेंट ज़रूर रखना क्योंकि ऐसे बग्स होते हैं जो आपको काटते हैं, तो इंसेक्ट रिपेलेंट होने से आपको इंसेक्ट्स पास नहीं आएंगे।
चल मैटी लेक घूम के हो गया है, अब है टाइम चढ़ाई का। बहुत मेहनत लगने वाली है। अरे अभी से मैं तो थक गई भाई साहब। यहाँ पे आप ईगल का फोटो खिंचा सकते हो।